नमस्कार, मैं हूँ सोनाक्षी सिन्हा और आप मुझे देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कंफ्यूज हूँ, आप फिल्म से जुड़ा सवाल पहले करूँ कि आपके एक दशक पूरे होने का सवाल पहले करूं? एक दशक नहीं हुआ, अभी 9 साल हुए हैं। कैसे काम के दिन अगर शुरू करें तो? हाँ, अच्छा, काम के दिन। हाँ, तब से अगर आप मेरे तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक दशक की सोनाक्षी से। जी, लगभग 25 फिल्में, 12 फिल्में जिनकी खूब चर्चा हुई, हिट हो गई, और इस समय खुद को कहाँ देखती हैं, किस उस पे देखती हैं, किस पोजीशन पे, किस नंबर पे देखती हैं? नंबर वंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे बस अपने काम से बहुत लगाव है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरा काम ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि आई डोंट थिंक अब जाकर एक दशक के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इतनी बिजी कभी नहीं थी। एंड बहुत अच्छे से चल रहा है काम एंड आई स्टिल इन्जॉय माई वर्क। मैं हर फिल्म को जब शुरू होती है कोई भी फिल्म, तो मैं उसे अपनी पहली फिल्म की तरह ही देखती हूँ एंड आई होप कि ये कभी ना बदले, क्योंकि मुझे इतना मज़ा, इतना एंथुजियाज़म मेरी फिल्मों के लिए, आई थिंक इसी वजह से अब तक ज़िंदा है। एंड बहुत ही अच्छा जर्नी रहा है, आई हैव नो कम्प्लेंट्स। सब जो चीज़ें फिल्में मैंने की है, लोगों से मिली हूँ, लोगों के साथ काम किया है, कुछ ना कुछ हमेशा सीखा है एंड अभी तक वो सीखने का जो प्रोसेस है वो जारी है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये एक एब्सोल्यूट फैमिली फिल्म है। मैं ऐसी फिल्म करूँगी नहीं जो मैं खुद अपने फैमिली के साथ बैठकर ना देख पाऊँ। तो और जो टॉपिक है बहुत ही रेलेवेंट है आज के दिन में, क्योंकि हम अपने आप को एक बहुत मॉडर्न फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी समझते हैं, बट सेक्स का नाम आ जाए तो सब कतराने लगते हैं। क्यों ऐसी चीज़ टैबू या गंदी या बुरी कैसे हो सकती है, जिसकी वजह से आप और मैं आज इस दुनिया में आए हैं, सब लोग यहाँ पर उसी चीज़ की वजह से, तो उस चीज़ को हम बुरा कैसे बता सकते हैं। एंड आई थिंक ऐसे कई टॉपिक्स हैं इस फिल्म में जो टच किए गए हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में। एंड उसे इस तरह से दर्शाया गया है कि लोग हंसे भी, समझे भी और सोचने पे मजबूर भी हो जाए। जब कोई ऐसा विषय आता है सोनाक्षी, एक तो हिम्मत नहीं कर पाते लोग कि ये फिल्म मैं आपके पास लेकर जाऊं, है ना, उसके बाद फिर परिवार आप देखती हैं, जैसे आप अपनी मम्मी को कहानी के लिए, फिर ट्रेलर के लिए भेजती हैं, एक कॉन्शियस माइंड तो आपके दिमाग में था। तो ऐसी कहानी को, ऐसे विषय को चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह तो स्क्रिप्ट ही थी, क्योंकि जब मैंने खुद पढ़ा तो मुझे खुद लगा कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है और ज़रूर इसके बारे में बात करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि हमने टैबू तो कर दिया है, बट क्यों कर दिया ये किसी को नहीं पता, बस करते हैं, अरे इससे हो ही रहा है। तो आई थिंक वो एक जो माइंडसेट हमारा बन चुका है, वो उसे एक हल्का सही दिशा में, सही दिशा में दिखाने की कोशिश है। एंड इट्स मेड ब्यूटिफुली। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर इसे अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाए तो ये चीप भी हो सकता था, बट जिस तरह से ये फिल्म लिखी गई है हमारे राइटर गौतम मेहरा और जिस तरह से डायरेक्ट की गई है शिल्पी दास गुप्ता, जो एक महिला है, उन्होंने जिस सेंसिटिविटी के साथ ये फिल्म डायरेक्ट की है, आई थिंक एक शी इज़ डन अ फैबुलस जॉब। आपने एक दरवाजा खोल दिया है उनके लिए जो अपनी इमेज कॉन्शियस रहते हैं और ये फिल्म नहीं करूँगा, ये फिल्म नहीं करूँगी, तो आप इस तरह के विषय करती रहेंगी? अगर मुझे अच्छी सब्जेक्ट मिले, अच्छी स्क्रिप्ट मिले, इसकी तरह खानदानी शफा खाना की तरह, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। ऐसी बात नहीं है कि अगर अभी ये बन गया तो इस पर फिल्में बनती जाए और मैं वही करती जाऊँ, अलग अलग चीज़ें भी करनी चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ही अलग चीज़ थी इन द स्कीम ऑफ थिंग्स जो मैं अभी कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने किया। बट अगर कोई इससे इसकी तरह कोई एक बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट आ गई मेरे पास, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। जो कुल बुला रहे हैं यार, ये भी बन जाए अच्छी कहानी जो चीप ना लगे। नहीं, अभी फ़िलहाल तो दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, बट इसमें कई टॉपिक्स हैं जिसको टच किए गए हैं एंड फिलहाल मैं खुश हूँ इस फिल्म के साथ। मैं आपसे अकीरा के दौरान मिला था, तो मैंने आपको कहा था हीरो है आप। तो अकीरा, नूर और कलंक, ये 3 फिल्में नहीं चली जी, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे चूक हुई, क्या आपके पास में, क्या लोग उस समय, जब अकीरा की पहले बात करते हैं, हाँ? उस समय क्या एक लड़की के अंदर ये वो दबंगता वो देख नहीं पाए? ना ना, बिल्कुल देख पाए। अगर आप अकीरा के नंबर्स देख ले तो बहुत ही अच्छे नंबर्स है। आई थिंक उसमें जो चीज़ काम नहीं की इज़ द बजट ऑफ द फिल्म। वो एक बड़े बजट पर बनी थी फिल्म, और ऐसी फिल्म का बजट अगर कंट्रोल किया जाए तो वो बहुत बड़ी फिल्म बन सकती थी। एंड अगर आप नंबर्स देखें तो दे आर वेरी गुड नंबर्स फॉर फिल्म विद अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट। नूर और कलंक के बारे में
मुझे नहीं पता, बट आई थिंक और ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम अपने हम ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, हम हमारी एनर्जी हमारी पॉजिटिविटी सब अब अपने अगले काम में डाल रहे हैं, तो इसके बारे में सोचना आई थिंक फिजूल की बात है। मैंने आपसे सीख लिया है कि किसी भी असफलता से असफलता समझनी चाहिए, सफलता का एक हिस्सा। करेक्ट। किसी भी सामाजिक बुराई को खत्म करने या बदलते समाज के साथ समाज को बदलने के लिए क्या फिल्मों का योगदान होता है, और होता है तो कितना होता है, क्योंकि ये भी वही है इसलिए बात कर रहा हूँ। फिल्मों का योगदान आई थिंक यही होता है कि एटलीस्ट वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, और ये इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग स्टेप टूवर्ड्स चेंज आई फील। तो आई डोंट नो कि कितना बदलाव आएगा नहीं आएगा इस फिल्म के बाद, बट डेफिनेटली लोग सोचने पर तो मजबूर हो ही जाएंगे। सिंगिंग करियर का क्या चल रहा है? जी अब करना तो चाहती हूँ बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने का। मैं 4-5 गानों को तो बैंक करके रख चुकी हूँ, बट मुझे अपने म्यूज़िक वीडियो शूट करने का मौका ही नहीं मिल रहा, वक्त ही नहीं मिल रहा, तो आई थिंक दैट इज़ ऑन होल्ड फॉर नाउ, बट मैं ज़रूर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गाना। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सारी शुभकामनाएं एक दशक की सोनाक्षी को। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बस इतना ही, आपने तो सब कह दिया। थैंक यू।